तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर त्रीजे सिर दीजे कान ना कीजे। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे वचन कमांदे आ, फिर अनोखे अमर शहीद तन तन बाबा दीप सिंह जी ने उस बचन ते पैरा दिता है ते अपना सीस जेड़ा भेट कीता तन गुरु रामदास दे चरणा दे विच। ओ पवित्र स्थान हुण जदों बाबा दीप सिंह जी दे पवित्र स्थान तो अगे लंघीए साध संगत जी, फिर पवित्र स्थान आंदा जिथे गुरु दे सिख कड़ा प्रसादियां देगा करांदे ने। हुण देग कराण वेले गुरु दे सिखा तेरे अंदर किते कोई ऐसी भावना ना आ जाए कि मैं दाता बन गया, शायद मैं वध माया दी देग करावां ते मैनू वध खुशी मिलेगी। ओ देग विच तू माया ना वेखी, अपनी भावना वेखी, भावना करके किथे खड़ा है। जे तेरी भावना चंगी है सच जानी तेरी देग गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जरूर रसना नू लाणगे ते तेरियां झोलियां नू खुशियां नाल भर देणगे। शर्त है कि तेरी भावना चंगी होवे। हुण उस पवित्र सरोवर दे किनारे जदों असीं खलोने आ ना, जिस सरोवर नू पिछले लगभग 400 सालां तों गुरु की बाणी हर वेले कृपा दे नाल भरपूर कर रही है, कृपा बरसा रही है गुरु की बाणी, केवल ते केवल कीर्तन, कोई दुनियावी गल नहीं, कोई राजनीतिक गल नहीं, वह सरोवर कितना पवित्र होएगा। इसे करके लिखना पिया ना किसी कलम नू, किसे लिखारी ने बड़े सोहने बचन लिखे ने उस सरोवर दे प्रति। कोई लिखारी लिखदा है ये जो चन्न आसमान ते चमकदा है एवें इन्ना उज्जल नहीं हो गया है, मैनू लगदा है पौड़ां ते बैठ के वो अपना मुख पवित्र सरोवर विच धो गया है। ये चन्न दी जिहड़ी चमक है ना, ये मत समझना भी कितने चन्न करके है, पता नहीं किस वेले वह भी गुरु अर्जन देव जी के पवित्र दर तो आके बख्शिशां दे भंडार लै गया, दुनिया नू चानना दे रहा, दुनिया नू ठंडक वरता रहा, दुनिया नू प्यार वरता रहा। सात संगत जी ये वो स्थान है पवित्र हरिमंदर साहब जिसका नींह पत्थर धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह, क्योंकि महाराज का बचन है ना सभे सांझी वाल सदायन इंदा तू किसे ना दिसे बहरा जियो, जिसका नींह पत्थर गुरु साहब ने अल्लाह ताला दे एक प्यार भरे भगत प्यार भरी बख्शी रूह साईं मियां मीर कोलों रखवाया। तुसी सारे जानते हो इस गल नू, पर एक इतिहासक सच्चाई दास तुहाडे सामने रखे, केवल इत्थे ही गल खत्म नहीं होंदी कि साईं मियां मीर कोलों नींह पत्थर रखवाया हरिमंदर साहब दा। इतना प्यार करदे सन धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह किसे नाम जपण वाले नाल 101 सिखां नूं लाहौर भेजिया जिहड़े साईं मियां मीर जी नूं पालकी विच बिठा के अमृतसर लैके आए ने नींह पत्थर रखण वास्ते। गुरु साहब बड़े दूरदृष्टा सन, धन गुरु अर्जन देव जी जानते सन अज मैं जिस स्थान तो भाईचारे की नवी एक मिसाल शुरू कर लगा, जिस लाहौर की धरती तो मैं हरिमंदर साहब की पवित्र नींह रखवाण वास्ते एक भगत नू एक रब दे प्यारे नू बुलावा भेजा, कल उसे स्थान ते लाहौर दी धरती ते शहीदी दी नींह रखण वास्ते मैनू खुद चल के जाना पैना, मैनू खुद जाना पैना जिस स्थान तो एक रब दा प्यारा सब दे सांझे घर दी हरी दे घर दी नींह रखण वास्ते आ रहा है। मैं इस सांझे घर दे विचों उस शहर दे विच सिखी दी शहीदी दी नींह रखण वास्ते जावांगा। शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन देव जी, जे साईं मियां मीर जी लाहौर तो आए ने गुरु जी का वचन मन के, ते गुरु जी ने भी फिर अपने ते कोई भार नहीं रखा, गुरु जी भी चल के फिर हरिमंदर साहब तो लाहौर शहर गए ने अपनी शहीदी दे के सिखी ऐसी मिसाल पैदा करती। अज हर एक गुरु का सिख जदों पंथ ते पीड़ा पवे तो शहीद होने हर वेले तैयार रहिंदा। सात संगत जी
पछाणीए तो सही गुरु कौन है साडा। साई मियां मीर ने भी कमाल करती, जे गुरु साहब ने इन्ना सत्कार दिता ना साई मियां मीर जी नूं, तो मैं इतिहास पढ़ रहा सां हैरान रह गया, साई मियां मीर जी ने जदों पहली बार छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह दे दर्शन किए ने ना, छेवें पातशाह की दुनियावी उम्र साई मियां मीर जी तो बहुत घट सी, दुनियावी उम्र छोटी सी। जदों गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह दे दर्शन किए ने साई मियां मीर जी ने, तो उस वेले छेवें पातशाह घोड़े ते विराजमान सन, अगों साई मियां मीर जी का अकीदा वेख लो गुरु घर के प्रति, गुरु साहब नूं जदों घोड़े तो थले लाया ते चरण जिहड़े सन ना गुरु साहब दे पवित्र जमीन ते नहीं टिकण दिते, अपने दोवें हाथ अगे करके गुरु साहब दे चरण हाथ ते टिकाए ने, ते फिर घोड़े तो गुरु साहब नूं धरती ते लाया। इन्ना प्यार साई मियां मीर दा, ये इतिहासक सच्चाइयां जे जो दुनिया सामने आउण दुनिया नूं पता लगे, गुरु अर्जन देव केवल सिखां दे नहीं मुसलमानां दे वी उतने ही सत्कार योग ने, गुरु अर्जन देव केवल साडे नहीं सारी दुनिया दे ने, असी पछाणीए तां सही, माफ करना असी गुरु अर्जन देव जी दी देणियां ते की देणियां सन, असी ते गुरु अर्जन देव जी दी किरत नूं नहीं पछाण सके। जदों हरिमंदर साहब वल ध्यान नाल वेखीए ना, हुण गल चल रही सी कड़ा प्रसाद तक पहुंचे हां जिथे कड़ा प्रसाद दी देगां कराईआं जांदीआं, जदों उत्थे खलो के हाथी च फड़ी होवे देग, भावना बनाओ गुरु अर्जन देव जी मैनू वेख रहे ने, जदों ध्यान नाल वेखोगे ना हुण चारों पासे जल है ते विचकार हरी दा मंदर है, ते की लगदा है जिवें जल दे विच ना कमल तैरदा, कमल तैर रहा है, ये की है। बाकी तां सारे स्थान आम तौर ते जल दे किनारे हुंदे ने, सरोवर वख हुंदा है, गुरु स्थान वख हुंदा है, गुरु साहब की दूर दृष्टि वेखो कमाल कर दित्ती। और रब दिया बंदिया ये संसार सारा भवजल है, यह संसार सारा भव सागर है, हर मंदिर तैनू चारों पासों जल दे विच घिरिया एक संदेश दे रहा है, इस भवजल दे विच विचरदिआं वी तू कमल वांगू विचकार निर्लेप रहना। हरिमंदर साहब दे गुंबद वल वेखोगे तो की वेखांगे कि आम तौर पर साढ़े हिंदू वीर कहिंदे ने कि कमल दे विच लक्ष्मी का वास हुंदा है, सिखा जदों तू हरिमंदर वाले पासे कदम पुटिआ ना फिर एक गल का ध्यान रखी, माड़ी संगत तो जे बच के माड़े कर्मा तो बच के माड़े कर्मा तो भज के जे हरिमंदर दे मालक वाल आएगा, बाणी जी एक तुक भी आती है बड़ी प्यार भरी, उल्टी रे मन उल्टी रे साकत सो मन उल्टी रे, जे साकत पुरशां वालों भज के माड़े कर्मा नूं पिठ विखा के जे अपना मुख कर लेगा धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे पवित्र दर वल, फिर एक गल समझ लई तेरा भी मालक फिर तेरिया झोलियां भरन च देर नहीं लाएगा। साध संगत जी एक बेनती कर दें, हुण जदों असी कड़ा प्रसाद की देग लैके अगे वधना ना, एक गल का ध्यान रखना, एक पवित्र स्थान आंदा ने लाची बेर, लाचियां वर्गे बेर लग्या करदे सन इस करके उहदा नां लाची बेर रख्या गया, अज भी लगते ने, जिथे भाई सुखा सिंह महताब सिंह ने मस्से रंगड़ का जो सिर वढ़िया ना उत्थे घोड़े बन्ने सन,